GourmetJobsPreparation.com. This is Preeti, and today we will learn the last type of combination. So before starting this, I need to tell you, in my previous video, I taught you some questions in which we were asked to get all the words together. But in this question, we don't have to get the vowel together, right? Let's see the first question. How many words can be made from the word leader so that all vowels may not come together? The word is leader. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव थ्री स्टेप्स, तीन स्टेप्स हैं हमारे पास. जस्ट फॉलो द स्टेप्स. ध्यान से समझना, जब हमें वॉवल्स साथ में नहीं चाहिए उसके लिए. फर्स्ट स्टेप है हमारा, टोटल वर्ड्स कितना हमारे पास, सिक्स, यानी कि सिक्स फैक्टोरियल. और टू वर्ड्स हमारे पास कॉमन है, यानी कि टू. इसको सॉल्व करते हैं, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, and this is 2 into 1. 60 into 2, and that is 360. The answer is 360. This is the first step. Next step. Vowel kitna hamare paas, A, O, T. E, A, T. Teen vowels hai. Inko hum ek group ko rakhe hain. Baki L, D, R. Ye hamare consonant hai, ye jayenge teen. टोटल कितना हमारा हो गया, फोर फैक्टोरियल. हमारी ट्रिक क्या होती थी, टोटल नंबर्स इनटू टोटल वॉवल्स. वॉवल्स कितने हैं, थ्री. लेकिन दो वर्ड्स अभी भी कॉमन तो है, तो उनको हमेशा नीचे रखें, ठीक है, डिवाइड कर देंगे. फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल हमारा 144 होता है. डिवाइड करेंगे टू से, वी गेट 72. And the last step is 360 minus this 72. The answer is 288. This is the final answer. Whenever we are asked not to get all the vowels together, the same thing is here. Remember, first step is 6 words total, and R is common. And U is also common. Solve this. 6, 5, 4. This is 6 into 5. This is 1 8. Right? Next step is, we have three vowels, U, O, U. हम इनको एक ग्रुप में रखेंगे. और R, M, R. टोटल कितना हो गया, फोर. हमारी ट्रिक क्या थी, टोटल नंबर्स इंटू टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स, 1, 2, 3. दिस इज, और कितना हमारे पास, 2 into 2, ये कॉमन है हमारे पास, R और U. इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल, दिस इज 12, दिस इज 36. फाइन. एंड द लास्ट स्टेप इज 180 माइनस 36, राइट. This is 36, 4, and 4, and 1. This is the answer. 144 is the answer. The third question is, how many words can I arrange so that vowel must be at odd position in the word M-A-C-H-T-N-E? The word is M-A-C-H-T-N-E. हमें इस वर्ड में इस तरह से अरेंज करना है कि जो वॉवल है वो ऑड पोजीशंस पे है. ऑड पोजीशंस क्या होती है, 1, 3, 5, 7, ये हमारी ऑड पोजीशंस होती है. अब देखते हैं, हमारे पास
कॉन्सोनेंट कितने हैं, यहाँ वॉवल की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट कितने हैं टोटल? एक दो तीन चार पाँच फाइव इनको। और पोजीशन की जब भी बात आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है, कॉन्सोनेंट को एक तरफ रखेंगे, उसके बाद हमारे पास टोटल अभी वॉवल है कितने, ए और ई, सिर्फ दो वॉवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास स्पेस कितना है और पोजीशन के लिए, एक दो तीन चार, चार प्लेसेस हैं और वॉवल सिर्फ हमारे पास दो हैं। तो एक वॉवल को सेट करने के लिए हमारे पास कितनी जगह है, चार जगह, फोर। और फिर दूसरे वॉवल के लिए हमारे पास कितनी जगह बचेंगी, थ्री प्लेसेस बचेंगे। सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू फोर इंटू थ्री, दिस इज जीरो, फोर फोर वन, दिस इज नाउ वन फोर फोर जीरो। दिस इज द दिस वॉज द लास्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।